तो व्यूअर्स, जैसा कि इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं नेहरू जी पे इशू किए गए डिफरेंट सेट ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया है 1964 में इशू किए गए नेहरू जी के फर्स्ट सेट ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में। तो ये हल्का सा रिकैप आपके लिए। तो अगर आप इस नेहरू कॉइन्स पे पार्ट वन वाले वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो है नेहरू कॉइन्स पार्ट टू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेहरू जी पे इशू किए गए सेकंड सेट ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में और क्या खास है इन कॉइन्स में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो के लिए भी हमने चूज किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको पता होगा कि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए नेहरू जी का जो बर्थडे है यानी कि 14 नवंबर, वो मनाया जाता है एज चिल्ड्रंस डे थ्रू आउट इंडिया। तो सिक्कों की अगर हम बात करें, 1964 के 25 सालों के बाद इन द ईयर 1989 नेहरू जी पे इशू किए गए सेकंड सेट ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन्स। तो जुड़े रहिए वीडियो से एंड तक, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इन सिक्कों के एक्सक्लूसिव फीचर्स और कैसे ये सिक्के डिफरेंट है पहले इशू किए गए नेहरू कमेमोरेटिव कॉइन्स से। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली जूम करते हैं कॉइन्स पे और जानते हैं इनकी कंप्लीट डिटेल्स। तो व्यूअर्स, ये है वो 1989 में इशू किए गए सेकंड टाइप ऑफ नेहरू कमेमोरेटिव कॉइन्स। ये नेहरू कॉइन्स सर्कुलेशन के लिए इशू किए गए थे दो डिनोमिनेशंस में, 5 रुपीज और 1 रुपीज, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। 1964 में इशू किए गए नेहरू कॉइन्स से अगर हम कंपेयर करें तो वो कॉइन्स इशू किए गए थे 1 रुपीज और 50 पैसे डिनोमिनेशंस में, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। इन कॉइन्स की ब्रीफ हिस्ट्री हम जान लेते हैं कि ये कॉइन्स क्यों इशू किए गए। नेहरू जी का जन्म हुआ था ईयर 1889 में और 1989 में उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये कॉइन्स इशू किए गए। इन कॉइन्स में क्या इंटरेस्टिंग है ये मैं आपको बताऊंगा इन कॉइन्स की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो शुरू करते हैं 5 रुपीज डिनोमिनेशन के कॉइन के साथ। ये है कॉइन का ओवर्स साइड, जिसे हम कहते हैं हेड्स। यहाँ पे आप लेफ्ट में देख सकते हैं हिंदी में लिखा है भारत रुपए और राइट में इंग्लिश में लिखा है इंडिया रुपीज। और यहाँ पे डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 5 और यहाँ पे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया और इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका है डॉटेड एज। ये है कॉइन का रिवर्स साइड, जिसे हम कहते हैं टेल्स। यहाँ पे आप लेफ्ट में देख सकते हैं हिंदी में लिखा है जन्म शती जवाहरलाल नेहरू और राइट में इंग्लिश में लिखा है जवाहरलाल नेहरू सेंटिनरी। और यहाँ पे मेंशनड है ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन 1989 और यहाँ पे है इमेज ऑफ जवाहरलाल नेहरू फेसिंग राइट। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहाँ पे है कि नेहरू की इमेज है विद नेहरू कैप। अब हम बात करते हैं कि ये 5 रुपी नेहरू कॉइन ऑफ 1989 कौन कौन सी मिंट से इशू किया गया था। ये कॉइन्स मिंट हुए थे बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट से। मेरे पास यहाँ पे है बॉम्बे मिंट से इशू हुआ कॉइन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट के नीचे देर इज अ डायमंड मिंट मार्क, जिसका मतलब है बॉम्बे मिंट। और हैदराबाद मिंट से इशू हुआ कॉइन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर हम इस कॉइन की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका शेप है सर्कुलर। ये कॉइन बना है क्यूप्रोनिकल एलॉय का। अगर हम इसकी एज की बात करें तो इसका एज है सिक्योरिटी एज, यानी कि इसके ग्रूव्स में डिजाइन है। इस कॉइन का डायमीटर है 31 mm और इस कॉइन की अगर वेट की बात करें तो इसका वेट है 12.5 grams। व्यूअर्स, अगर हम इस 5 रुपी कॉइन के एक्सक्लूसिव फीचर की बात करें तो ये कॉइन बाकी सभी कमेमोरेटिव कॉइन से साइज में भी सबसे बड़ा है और वेट में भी सबसे ज़्यादा है। इस कॉइन के बराबर के साइज का सिर्फ एक कॉइन आज तक इशू किया गया है, वो है इंदिरा गांधी कॉइन ऑफ 1984। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रखा है इंदिरा गांधी कमेमोरेटिव कॉइन 1984 का और बाकी 3 टाइप्स के कमेमोरेटिव कॉइन्स। तो यहाँ पे आपको साफ नज़र आ जाएगा कि ये कॉइन साइज में कितने छोटे हैं और वेट में भी इन कॉइन से कितने कम हैं। और नेहरू कॉइन्स के सिमिलर साइज का सिर्फ ये 5 रुपी कॉइन है। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 रुपी नेहरू कॉइन्स ऑफ 1989 की। ये है कॉइन का ओवर्स साइड, ये सिमिलर है 5 रुपी कॉइन की तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये है कॉइन का रिवर्स साइड, जो भी सिमिलर है 5 रुपी कॉइन के रिवर्स साइड की तरह। यहाँ पे हिंदी में लिखा है जन्म शती जवाहरलाल नेहरू और इंग्लिश में लिखा है जवाहरलाल नेहरू सेंटिनरी। और यहाँ पे है लिखा हुआ ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन 1989। ये कॉइन्स इशू किए गए थे सभी मिंट से, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट।
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है बॉम्बे मिंट मार्क डायमंड शेप, तो ये कॉइन इशू किया गया था बॉम्बे मिंट से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोएडा मिंट से इशू हुआ कॉइन, यहाँ पे है ईयर के नीचे डॉट मिंट मार्क, जिसका मतलब ये नोएडा मिंट से इशू किया गया है। बाकी मिंट से इशू किए गए कॉइन्स यानी कि हैदराबाद मिंट और कैलकाटा मिंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस कॉइन का शेप भी सर्कुलर है और ये भी क्यूप्रोनिकल एलॉय का बना है। इस कॉइन का डायमीटर है 26 mm और इस कॉइन का वेट है 6 grams। अगर हम इस कॉइन के एज को देखेंगे तो इसका एज भी है सिक्योरिटी एज, यानी कि इसके ग्रूव्स के बीच में डिज़ाइन है। तो अगर हम कंपेयर करें 1964 में इशू किए गए नेहरू कॉइन्स को 1989 में इशू किए गए नेहरू कॉइन से, तो 3-4 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि ये कॉइन बना है निकल मेटल का और ये कॉइन बना है क्यूप्रोनिकल एलॉय का। अगर हम साइज़ की बात करें तो 1964 में इशू किया गया कॉइन 1989 में इशू किए गए कॉइन से साइज़ में भी बड़ा है और वेट में भी ज़्यादा है। और यहाँ इमेज में तो आप डिफरेंस देख ही सकते हैं, ये कॉइन है विदाउट कैप और ये कॉइन है विद कैप। व्यूअर्स, इन नेहरू कॉइन्स में भी प्रूफ सेट और यूएनसी सेट्स इशू किए गए थे 1989 में फ्रॉम बॉम्बे मिंट, जिसमें थे 5 rupees, 1 rupees के अलावा हाई डिनोमिनेशन के 100 rupees और 20 rupees कॉइन्स, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप आपको नेहरू जी पे इशू किए गए ये सेकंड सेट ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने अच्छे से इनकी डिटेल्स को समझ लिया होगा। अब आते हैं वीडियो के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जहां हम बात करते हैं कॉइन्स की करंट एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस के बारे में। तो 1989 में इशू किए गए ये नेहरू कॉइन्स इशू हुए थे 2 denominations में, 1 rupees और 5 rupees। 1 rupees के ये कॉइन इशू किए गए थे सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट से इशू किए गए 1 rupee कॉइन काफ़ी कॉमनली अवेलेबल हैं, इसलिए आज के डेट में इनका प्राइस है 10 से 20 rupees। लेकिन नोएडा मिंट से इशू किया गया यही 1 rupee कॉइन रेयर कैटेगरी में आता है। अगर आपके पास ये कॉइन है तो ये आपको दिला सकता है 300 से 1500 rupees, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर हम बात करें 5 rupees डिनोमिनेशन के कॉइन्स की, तो वो इशू किए गए थे बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से, और दोनों ही मिंट से इशू किए गए कॉइन्स कॉमनली अवेलेबल हैं। इनका करंट मार्केट प्राइस है 50 to 100 rupees। यही कॉइन्स प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में भी इशू किए गए थे बॉम्बे मिंट से इन द ईयर 1989, और प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में थे 100 rupees, 20 rupees, 5 rupees और 1 rupee डिनोमिनेशन के कॉइन्स। प्रूफ सेट कॉइन्स का उस डेट में इशू प्राइस था 600 rupees, और अगर आज की डेट में आपको ये प्रूफ सेट किसी ऑथेंटिक कॉइन डीलर से परचेज करना हो तो ये आपको मिलेगा 15,000 to 18,000 rupees का, और यूएनसी सेट का उस डेट में इशू प्राइस था 350 rupees, और आज की डेट में आपको ये यूएनसी सेट मिलेगा 12,000 to 15,000 rupees तक का। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो नेहरू कॉइन्स पार्ट 2, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहे मेरे चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को मिल पाए नेहरू कॉइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। और मैं जल्द ही अपलोड करूँगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो, जो कि होगा नेहरू कॉइन्स पार्ट 3। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जस्ट चिल्लर।